वेलकम टू माय न्यू स्टोरी। ये स्टोरी चार सुपर हीरोज के ऊपर बनी है। पहले का नाम था आयरन मैन, दूसरे का नाम था थॉर, तीसरे का नाम था कैप्टन अमेरिका और चौथे का नाम था हल्क। आयरन मैन की ये पावर थी कि उसके अंदर लेज़र प्रोवाइड थी, रॉकेट्स प्रोवाइड थे और वह उड़ सकता था। थॉर के अंदर बिजली की ताकत थी और कैप्टन अमेरिका के अंदर 10 बंदूक की ताकत थी और साथ एक शील्ड थी। हल्क को एक सीरम दिया गया था जिसकी वजह से वो ग्रीन हो गया था और बहुत ज़्यादा ताकतवर। और इनका सबसे बड़ा दुश्मन था थैनोस, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। और आज ये सब थैनोस को मारने आए हैं। चलिए देखते हैं क्या थैनोस को ये मार पाएंगे कि नहीं। थैनोस के पास 5 पावर्स रिंग्स हैं जिनकी मदद से वो कुछ भी कर सकता है। अवेंजर्स को वो रिंग्स किसी भी हालत में लेनी है, तो चलिए देखते हैं क्या अवेंजर्स ये काम कर पाएंगे कि नहीं। तो फाइनली थैनोस आ चुका है और सारे बहुत गुस्से में हैं। सबसे पहले आयरन मैन आएगा थैनोस पर वार करने के लिए। तो आयरन मैन थैनोस को पंच कर रहा है लेकिन थैनोस को कुछ भी नहीं हो रहा। और अब आयरन मैन अपनी लेज़र को चार्ज कर रहा है थैनोस को लेज़र मारने के लिए। और फाइनली आयरन मैन की लेज़र चार्ज हो चुकी है और वो थैनोस को लेज़र मार रहा है लेकिन थैनोस को कुछ नहीं हो। फिर भी आयरन मैन कोशिश किए जा रहा है। और कैप्टन अमेरिका भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। अब थॉर की टर्न आती है और फाइनली हल्क थैनोस से लड़ता है और इस टर्न में हल्क थैनोस को मार डालता है क्योंकि थैनोस सारे एवेंजर्स की मार खाकर कमज़ोर हो चुका था। और अब हल्क की मार खाकर और भी कमज़ोर होता है और वहीं मर जाता है। और इस तरह एवेंजर्स ये मैच जीत जाते हैं और सारी मड़ियाँ ले लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत पर मिलजुल कर मुसीबत का सामना करना चाहिए। कैसी लगी आपको स्टोरी? पसंद आई इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।